अपने आप ही अपने आप ही बहुत सारी बाइकें देखी थी, लेकिन पता नहीं जब इसको देखा ना एक दफे से दिमाग में चढ़ गया। पहली बात देखो, जो आरएस के दीवाने है ना वो सबसे पहले इसके ऊपर जाएंगे, इसके लुक के ऊपर। जैसे गोरी भाई काफी टाइम हो गया बाइक को, बट मैं देखना चाह रहा हूँ कितने किलोमीटर चली है, इस पर बात करेंगे। आज तक इंजन में कुछ काम? इंजन बहुत बार, दो बार हो गया, दो बार काम। नहीं, अगर मोटर की बात की जाए तो इसके अंदर छठी या सातवीं मोटर है। अच्छा, काफी मैंने इसके अंदर एक्सपेरिमेंट के लिए लगाई है, और अभी जो मैं सिस्टम यूज कर रहा हूँ वो बोश यूज कर रहा हूँ। और ऐसे बोलते हैं गोरी भाई, मतलब परफॉर्मेंस आप लेते हो, एवरेज स्पीड 100 चलती है आपकी हाईवे पे ना, सभी माइलेज का क्या कहने जा रही है, कुछ आइडिया अलग हो थोड़ा? अब इससे क्या हो रहा है कि जहाँ तक मुझे फील हो रहा है, इस टायर से इसका टॉप एंड थोड़ा कम हो कर देखूंगा। और चैन सेट की बात है, इसमें रोल ऑन चल रहा है गोरी भाई? अभी तक यार हीटिंग इशू का बताओ क्या सीन है? हीटिंग इशू यार देखो, तो गोरी भाई मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, बहुत ही आला दर्जे की मॉडिफिकेशन करवा रखी है। इसके अभी आएंगे, उससे पहले एक इसके अंदर लगी है जादुई लाइट, अभी दिन है यहाँ पे दिख रही है, शॉट डाल दूंगा। वायरिंग का अगर कुछ इशू है, अगर उसको लाइट लगानी है, समझ नहीं आ रहा हो तो मेरे चैनल पे देखना। और इसके अंदर एक चीज ऐसी हो रखी है, वो आप मान के चलो पहली आरएस होगी, चाहे इंडिया बोलो चाहे वर्ल्ड के अंदर बोलो, ऐसा कैसा मतलब BS3 क्या कहना चाहोगे इस पे? भाई BS6 छोड़ के सब ले लेना, देखो वही डायलॉग मेरे मुंह से निकल रहा। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। गाइस आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग क्यों? आज गुरुदार राइडर भाई की नोनी पहचान ली होगी, करेंगे इस पे आज बात। गुरुदार राइडर भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया, देख रहे हो भाई कितने टाइम बाद, सालों बाद गुरी राइडर भाई से मुलाकात हो रही है, और न्योनी में बहुत तगड़ा काम कर रहा है गुरी भाई। न्योनी नहीं, हाँ अभी बात करेंगे गुरी न्योनी पे। तो गुरी भाई कैसे प्लान बना आर एस 200 का? मतलब बहुत से राइडर जानते हैं पर गुरी भाई के पास न्योनी है। भाई आर एस 200 यार पता नहीं अपने अभी पसंद आ गई, अपने आप ही बहुत सारी बाइकें देखी थी, लेकिन पता नहीं जब इसको देखा ना एक दफे से दिमाग में चढ़ गई भाई ये लेनी है। कौन सा मॉडल था जब ये लिया था मैंने? BS3 2016 मॉडल। 2016 सेकंड हैंड थर्ड एंड फोर्थ हैंड थी कोई? सेकंड ओनर था किलोमीटर चली थी। और उसकी जो पहली एक या दो सर्विस हुई थी वो भी बजाज के अंदर, उसका भी रिकॉर्ड है। तो अब के रिकॉर्ड तो खैर वो तो बहुत पुरानी बात होगी, पुरानी बात होगी। चलो जैसे आरएस ले ली, एक्सपेक्टेशंस पे कितनी खड़ी रही वो चीज़ बात करनी चाह रहे हैं। क्या रहेगी एक्सपेक्टेशंस पे कितनी खड़ी रही आरएस में परचेज करने के बाद? तो सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात करें, कुछ किस तरीके से मतलब क्या क्या बढ़िया लगता है आरएस में? मतलब बहुत सारे, पहली बात देखो जो आरएस के दीवाने हैं ना वो सबसे पहले इसके ऊपर जाएंगे, इसके लुक के ऊपर। बिल्कुल, और जो आरएस चला रहे हैं वो जाएंगे इसके आरपीएम के ऊपर। उनको पता है कि अगर जब आरएस भागती है तो कैसी रेट करती है, जब आरएस भागती है कैसी रेट करती है, कैसे हाथ में से निकलती है, जो एक शूट होता है ना जैसे निकलती है तो गोली की तरह, वो चीज 5-6 हज़ार आरपी के पास, वो आरएस जो ओनर्स है या आरएस लवर्स है वही जानते। तो मतलब BS3 में ही ज्यादा देखने को मिलता है ना वो? देखो सब BS4 के अंदर है, 5 तो आई नहीं, BS4 का 6 ही आई है, बट BS4 तो फिर भी क्वालिटी ठीक थी, बट BS6 में पता नहीं लोगों ने क्या करा है। 7 अच्छी आई है बट BS6 बहुत मतलब निगेटिव इसके रिव्यूज वगैरह आए। बिल्कुल। जैसे गोरी भाई काफी टाइम हो गया बाइक को, बट मैं देखना चाह रहा हूँ कितने किलोमीटर चली है, इस पर बात करेंगे। दिखाएगा मैं राइडर्स को है ना, ये देखना आप भाई गाड़ी अच्छी चल रखी है, 65,000 गोरी भाई। हाँ तो मतलब जैसे गोरी भाई 65,000 बिल्कुल जेन्युइन है, मीटर बैक का कुछ नहीं, मीटर पर कुछ तो 65,000 किलोमीटर में आज तक इंजन में कुछ काम? इंजन बहुत बार, दो बार काम ऐसा क्यों मतलब समझा? वो मेरा थोड़ा मतलब चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, जब कैसे चलाते हो तो मतलब गलती तुम्हारी साइड से थी, मतलब मेरा थोड़ा चल वो करता है उसको, हाई आरपीएम इसको मैं चलाता हूँ तो उसकी वजह से थोड़ा इंजन पे मतलब आरएस की गलती नहीं है, आरएस की गलती नहीं है। बाकी देखो काफी सारे लोग चला रहे हैं, अगर 65,000 किलोमीटर तक फिर भी मतलब एक बार इंजन हो जाता है ना लगभग, हो जाता है मतलब फुल इंजन नहीं हुआ, अगर हुआ तो मतलब अपना वाल्व वगैरह काम इस तरीके का, कभी कभार क्रैंक की भी आ रही छोटी मोटी ना। हाँ बट मतलब क्रैंक वाला इशू नहीं हुआ इसके अंदर, फुल इंजन नहीं हुआ। और कुछ मेजर पार्ट है चेंज हुआ इसमें? 65,000 मेजर पार्ट, फ्यूल पंप देखो जितनी भी आ रहा है उसके अंदर चेंज मिलेगा, मिलता है ना मोस्ट, वो डिपेंड करता है काफी सारी चीज के ऊपर, वो आरएस का बिहेवियर ही ऐसा है। अभी तो बोश डल रखा है ना, अभी तो ओरिजिनल बोश है, लेकिन भाई बोश अलग लेवल है। मैं कहता हूँ सस्ती के चक्कर में मेरी नहीं, अगर मोटर की बात की जाए तो इसके अंदर छठी या सातवीं मोटर है। अच्छा, काफी मैंने इसके अंदर एक्सपेरिमेंट के लिए लगाई है, और अभी जो मैं सिस्टम यूज कर रहा हूँ वो बोश यूज कर रहा हूँ। तो बोश के बाद सेटिस्फेक्शन अच्छा मिला? अरे भाई बोश है, और सबसे चीप प्राइस के अंदर बोश मैंने ले रखी है। कितने का अंदर? मतलब 1800 में मतलब बोश की मोटर मुझे ओरिजिनल मिल गई थी। वो BS3 में अच्छी बात लगती है, उसे मोटर डालो बात। हाँ वो BS4 के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है।
के अंदर बात की जाए तो उसके अंदर थोड़ा फ्यूल पंप अलग है, तो बी एस थ्री में इस चीज़ की दिक्कत नहीं आती। मतलब बी एस थ्री मतलब ये है कि मोटर लगाओ लगा चेंज करके चला लो, कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा चलो ये तो बात तुम्हारी ठीक है। तुम्हें दो इंजन का एक्सपीरियंस है गुरी भाई। हाँ बहुत से राइडर मैंने देखा है बोलते हैं कि इंजन बंदवाया था पावर वाली नहीं आती, तो क्या सुना रही है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, पूरी वापस आती है बिल्कुल। मतलब क्योंकि क्या होता है कि पावर इशू उस चीज़ के अंदर आता है, अगर बाई चांस हम अपना पिस्टन वगैरह द्वारा से बोरिंग कराएं तो इसके अंदर देखो पहली बात है पिस्टन बोरिंग नहीं होता। मतलब होता ना 0 से 25 नंबर लग गया 50 नंबर बिल्कुल, तो इसके अंदर पूरी सिलेंडर की चेंज होती है। सिलेंडर गेट मतलब समझो कि गाड़ी आपकी एकदम द्वारा से नहीं हो रही। गुरी भाई जैसे खर्चे की बात करें तो मतलब कितना खर्चा आता है इंजन बनवाने में? खर्चा आप लेके चलो कुछ 8 से 10 हज़ार के आसपास। 8-10 हज़ार में ये हाफ का फुल का? ये हाफ का फुल तो जाएगा 17-18 के आसपास। 17-18 में जाएगा? ये बहुत से राइडर कहते हैं 30-32 हज़ार रुपये लगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं ना। तो मतलब जैसा कि बहुत से राइडर ने इंजन सीज होता है तो क्रैंक के ऊपर क्या कहना चाहोगे? क्रैंक भी सीज मारता है कई बार ना? क्रैंक सीज हो जाती है। देखो इसके अंदर अगर गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल है तो उसकी कभी जिंदगी में क्रैंक सीज नहीं होगी। अगर इंजन ऑयल का कुछ मैटर हो रहा है अच्छा तो उस केस के अंदर उसकी क्रैंक सीज होती है। पूरी भाई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की साइड से बताओ क्या क्या चेंज हुआ इलेक्ट्रिकल? कॉइल प्लेट इसकी। कॉइल प्लेट बहुत जल्दी परेशान करती है, जिसको नॉलेज है वो डलवा चुके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे अंदर इसकी जो कॉइल प्लेट है तीसरी चौथी है, जिसके अंदर अभी तक डली हुई है 65,000 में। तीसरी चौथी है 1500-1600 की आती है। बट ये है कि कॉइल प्लेट के चक्कर में कई लोग फ्यूल पंप भी चेंज कर देते हैं। बहुत सारी मतलब एक टेक्निकल मतलब इन्फॉर्मेशन है, तो ये चीज़ है कि इसकी कॉइल प्लेट जल्दी खराब होती है इस गाड़ी की, तो मतलब पहले इंस्पेक्ट करना जरूरी है ना? हाँ पहले इंस्पेक्ट करना जरूरी। और कुछ रेक्टिफायर वगैरह से? और ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेन फ्यूल पंप और इसकी कॉइल प्लेट और उसके अलावा कुछ चेंज नहीं होता ना? और जैसे सर्विस का बताओ कि कहाँ मतलब क्या खर्चा था सर्विस में प्रॉपर? सर्विस देखो यार आपको भी पता है कि सर्विस की मेरी एंड सी होती है जो भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी सर्विस बाहर नहीं होती है। और यूजली इसके अंदर फिल्टर और अपना इंजन ऑयल चेंज होता है और फ्यूल फिल्टर वगैरह। इंजन ऑयल कौन सा? इंजन ऑयल देखो यार मैं मोटर यूज़ कर रहा था पहले, बट मैंने इस बार कैस्ट्रोल यूज़ कर रहा है, बट मुझे कैस्ट्रोल से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिली। हाँ मैंने बहुत सारे कैस्ट्रोल पावर मैंने यूज़ करा है, मुझे अच्छा लगा। तो मतलब राइडर्स को बोल रहा हूँ कैस्ट्रोल जा सकते हो? हाँ देखो मोटर चला रहे हैं, लेकिन मैंने एक दो तीन चीज़ें हैं मतलब जो है कि तो मोटर की कॉपी बहुत ज़्यादा आ रही है अब। बट ये है कि मोटर की वो क्वालिटी पहले ये नहीं कि इंजन टिक नहीं पा रहा, उसको स्टेबल नहीं रह पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक रफनेस मैंने नोट करी है कि जितनी बार मैंने मोटर डाल के चलाया इसके अंदर तो गाड़ी टैंक का रफ महसूस होती है, बट मैंने कैस्ट्रोल डाला इसके अंदर और गाड़ी मेरी 2-2.5 किलोमीटर चल चुकी है और अभी तक एकदम स्मूथ चल रही है। तो मतलब मोटर से कहना कि बेहतर निकल गया। हाँ मतलब अब वो चीज़ नहीं है, मॉडल भी हवाबाजी खत्म हो गई थी। अब नहीं है चीज़ वो, मैं कैस्ट्रोल कहूँगा सस्ता का सस्ता भी है, उसका आधे रेट के आसपास है मान के चलो। अच्छा 1.5 लीटर का वैसे गोरी है 65,000 किलोमीटर अच्छा किलोमीटर्स होते हैं। तो इग्निशन कॉइल्स की साइड से कुछ फॉल्ट आया अब तक? इग्निशन कॉइल हाँ वो इग्निशन कॉइल स्पार्क प्लग वाली होती है। अच्छा उसको हाँ उसमें इग्निशन कोयल तो देखो मेरी गाड़ी के अभी तक मतलब खराब नहीं हुई, बट कुछ एक तो ऐसी दिक्कत आई थी, मैंने उसको अपने एंड से चेंज कर दिया था ताकि अगर मेरी पास पुरानी भी चीज़ की रखी हुई सारी उधर, बट वो पुरानी भी ठीक है, बट कुछ चीज़ ऐसी थी जैसे उसकी वायर थी वायर अंदर से कट गई थी उसकी, तो वायर चेंज नहीं होती। मैंने इस चक्कर में उसकी इग्निशन कोयल चेंज कर दी चक्कर में ताकि प्रॉपर परफॉर्मेंस चाहिए बिल्कुल ना, परफॉर्मेंस उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वैसे बोलते हैं भाई मतलब परफॉर्मेंस आप लेते हो एवरेज स्पीड 100 चलती है आपकी हाईवे पे ना, माइलेज का क्या कहना है कुछ आइडिया अलग हो थोड़ा बहुत? 28-29-30 इस गाड़ी में मैंने 44 का एवरेज निकाला हुआ है। 44 भी डाल रखी आपने ना? 44 नहीं मतलब एक इंजन के बाद ही, बल्कि लोग कहते हैं इंजन के बाद एवरेज नहीं आता, मैंने इंजन के बाद इसके अंदर 44 का एवरेज निकाला हुआ है स्लो स्पीड पे बोश की मोटर के साथ। अच्छा और इसके अंदर अगर मैं चलाता हूँ हाई आरपीएम जो मेरे चलाने का यूजुअल तरीका है उसके अंदर 28-29-30 इतना मतलब मेरा एवरेज निकल गया था। तो यानी कि कोई राइडर इमरजेंसी में फंसा हुआ है तो मतलब 40 का निकाल लेगी, 40 का बहुत आराम से निकालेगी, 40 में करो 40 से बहुत आराम से। उसमें टायर प्रेशर वगैरह अच्छा होना चाहिए, मतलब सब कुछ अगर जेन्युइन चल रहा है कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने हाई पर राइड करते हो 150 के आसपास मोस्टली, स्टेबिलिटी की बात करो कि क्या स्टेबिलिटी? भाई स्टेबिलिटी ऐसी गाड़ी की किसी और मिलने की नहीं है इस रेंज में ना, ज्यादा मैंने भी तक चलाई है ना। कंट्रोलिंग रोड पे चिपक के चलना, पहाड़ों पे ले लो आप, कटिंग ले लो, और अगर आप ट्रैफिक के अंदर चल रहे हो ट्रैफिक को फिल्टर कर रहे हो कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं देती। ऐसा नहीं लगता कि हाँ कि अभी हाथ से निकल गई, अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है तो गाड़ी आपका साथ नहीं छोड़ती बिल्कुल। कुछ लोग की कंप्लेंट ये रहती है कि आरएस हमारी ब्रेकर पे नीचे लगती है। अच्छा तो अभी क्या हुआ है कि इसके अंदर मैं 2-3 बार से एमआरएफ का ये मोग्रिप यूज कर रहा था जो ऑफ रोड टायर है, उससे क्या था मेरी बाइक की हाइट ऊंची थी और मेरी बाइक ब्रेकर पे नहीं लगती थी। अब इसके अंदर टायर यूज हो रहा है वो पोलो का यूज हो रहा है जो कि रेडियल टायर है। एक बार दिखाओ दिखाओगे क्या हुआ है? टायर दिखा दो, ये देख लो गाइस ये वाला है। सेक्शन कितना है गुरी भाई इसका? सेक्शन इसका है 130 नहीं 140 है मेरे ख्याल में, आई थिंक 130 है सही। 130 तो स्टॉक ही आता है गुरी भाई। हां 140-60 है, 140-60 ना, 140-60-70 हां। तो क्या कह रहा था? तो इसके अंदर जो पहले टायर लगा हुआ था वो था 140 था और 70 था उसका। अच्छा तो इसके अंदर उसकी हाइट ज्यादा थी। अभी क्या हो रहा है कि बाइक बाबर नीचे ब्रेकर पे लग रही है अभी? हां ब्रेकर पे लग रही है।
पहले तो नहीं लगती थी, पहले नहीं लगती थी, पहले जो मेरा टायर दूसरा लगा हुआ था उसकी हाइट भी अच्छी थी और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही थी। अब इससे क्या हो रहा है कि जहाँ तक मुझे फील हो रहा है इस टायर से इसका टॉप एंड थोड़ा कम हो गया। अच्छा, जो मुझे मुझे लग रहा है टायर इसका मैं दोबारा से चेंज कर दूंगा, उसके बाद एक बार चेक करूंगा कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्योंकि जो जितनी पहले आरएस जाती थी अभी उतनी नहीं जा रही, भाग प्रॉपर रही है और जो पावर प्रॉपर निकल रही है, बट जहाँ तक मुझे पता था कि 150 155 बहुत आराम से निकलती थी, बिल्कुल, अब वो थोड़ा 145 के बाद थोड़ा मतलब संघर्ष करना पड़ता है। चलो वो तो क्या टायर की वजह से, इंजन सेट से प्रॉब्लम नहीं है ना, वो टायर या तो चेन सेट से प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले मैं इसके अंदर एनएस का चेन सेट यूज कर रहा था इसके अंदर, तो अभी इसके अंदर अपना आरएस का ही चेन सेट लगा हुआ है, हो सकता है कि चेन सेट से दिक्कत कर रहा हूँ, तो बट इसके अंदर पहले मैं टायर चेंज कर देखूंगा। वो चैन सेट की बात है, इसमें रोल ऑन चल रहा है गुरी भाई, अभी तक देख लो गाइस, रोल ऑन पे हो चुके हैं इसके 10,000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और चैन सेट वहीं का वहीं है। अरे बाप रे यार गुरी भाई, मतलब ये तो बाप है, इसको स्टॉक वाले का है, स्टॉक का बाप है ये भाई, चीज है थोड़ा सा महंगा है, 1000 रुपए आसपास महंगा, 1000 रुपए थोड़ी, वो 2000 का 2600 का 2900 का आया था मेरा ना उस टाइम अब 2600 प्राइस अप डाउन होते रहते हैं, मेरा 2900 का है, तो बिल्कुल वर्थ चीज है ना, लेकिन ये रोल ऑन का अच्छा आराम से 30,000 चल जाएगा ना शायद, दस तो जाना चल गया, अभी 10 चल गया और निकल लेगा आराम से, निकल जाएगा उसका, उससे डबल लाइफ है सीधा, डबल लाइफ है। वैसे गोरी भाई चलो ठीक है, आपने कहा बात यार, हीटिंग इशू का बताओ क्या सीन है, हीटिंग इशू यार देखो गर्मी आ रही है, गर्मी में तो रहेगा कोई भी बाइक हो जिसके अंदर कूलेंट है, हीटिंग इशू तो रहेगा, बट ये है कि अगर देखो इसके अंदर अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है ना, अपनी बाइक अपने बंद हो जाएगी, ऐसे तो कोई सीन नहीं है, बट अगर आप आरएस चला रहे हो तो हीट तो करेगी करेगी, बिल्कुल जो भी कूलेंट वाली बाइक है जिसके अंदर रेडिएटर फैन लगा हो हीट मारेगी, पर यार फिर भी केटीएम वगैरह से काफी कम हीटिंग है इसकी, वही तो मैं कह रहा हूँ, KTM से तो कम है इसकी हीटिंग, KTM से बहुत कम हीटिंग है, KTM तो बहुत ज्यादा हीट होती है, हम तो यूज्ड टू हो रखे हैं, यूज्ड टू हो रखे हैं, अब जैसा क्या होता है मौसम चेंज हो रहा है, अब एकदम से गर्मी चुकती है, बिल्कुल बाइक की हीट फेंकती है तो हमें थोड़ा यूज्ड टू होने में टाइम लगता है। अच्छा तो गुरी भाई मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, बहुत ही आला दर्जे की मॉडिफिकेशन करवा रखी है, तो मतलब गिन बहुत यूनिक से काम करवाए, रैपिंग वगैरह तो नजर आ रहा होगा, काफी लोग कहते हैं कि हमको बाइक का रैप चेंज नहीं करना चाहिए, मतलब रास्ते में काफी सारे इश्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे इसको रैप यूज करते हो 4-5 साल, काफी लंबी लंबी राइड मैंने मारी है, पुलिस वाले रोकते भी है, बट रास्ते किसने रैप के लिए मुझे नहीं रोका, रैप के लिए अगर आप देखो उनके सामने उल्टे सीधे कट मार के चलाओगे बाइक तो वो रोकेंगे और फिर वो कोई ना कोई फॉल्ट निकालेंगे, अगर आप तरीके से चला रहे हो ना कोई दिक्कत नहीं आती, और रैप में मुझे आज तक नहीं रोका किसी पुलिस वाले ने भी, अगर करिए तो तारीफ ही करिए, बिल्कुल भाई एक रैप हो गया इसके अंदर, अभी फिलहाल इसके अंदर नीचे ये लगी हुई है अपनी एंजल लाइट्स लगी हुई है, इनका कितना खर्चा है, ये एंजल लाइट्स अब सस्ती है 150-200 रुपए की मिल जाती है, 150 रुपए सही है ना, 200 रुपए की पहले स्टार्टिंग में 500-600 रुपए की आती थी, और ये विंगलेट, और नीचे विंगलेट लगा हुआ है, विंगलेट के साथ साथ इसके अंदर जो लगा हुआ है यूनिवर्सल मिरर्स लगे हुए हैं, जिसके अंदर आपकी यहाँ भी लाइट है और यहाँ भी लाइट है, अंदर दोनों वाली जो लाइट है, और कुछ तगड़ी मॉडिफिकेशंस के अंदर मैंने भी हाल फिलहाल में भाई गाइस वो बताओ, और ये इसके अंदर ये विंग्स लगा रखे हैं, ये बिल्कुल विंग्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, जो विंग्स जो मतलब कलर मैच कर रहा है, जो मेरा फेवरेट कलर है, अब देख रहे हो मेरे कपड़े फेवरेट है, हर जगह नियॉन का आपको मतलब मैच मिलेगा, और ये क्या चीज है गुरी भाई, मतलब ये है असली चीज, ये जादू है जो अभी नया नया है, इसके भी आएंगे, उससे पहले एक इसके अंदर लगी है जादू लाइट, अभी दिन है यहाँ पे दिख रही है, शॉट डाल दूंगा हां, बट अभी देखो अभी दिखाता हूं उसको मैं, ये लाइट ये रही गाइस बहुत ये ब्लिंक हो रही है, ये रात को ऐसा लगता है जैसे जादू, जैसे हम कोई मिल गया देखते थे ना, जादू लगता था तो सर पे चमकता था, तो उस तरीके से रिएक्शन तगड़ा आते हैं ना, रिएक्शन है ना, और उसके बाद हम बात करते हैं ये विंग्स की, ये विंग्स अभी नहीं दिखेंगे, ये देखो गाइस आपको इतने यहां दिख जाएंगे, ये यहां दिख जाएंगे, लेकिन रात के टाइम ना कैड आते हैं, ये रात को मतलब विंग्स BMW वाले ना, और पहली RS अपनी ऐसी है जिसके अंदर विंग्स लगे हैं, और पोजीशन आप देख लो, इसके अलावा कहीं और आप विंग्स लगाओगे सेट भी नहीं होंगे, और सेफ भी नहीं है ना, और पहली बात है लाइट कोई ना कोई निकाल लेगा, और उसके लिए फिर आपको फेयरिंग वगैरह काटनी पड़ेगी, बिल्कुल, क्योंकि ओरो के अंदर देखा है जैसे स्प्लेंडर वगैरह या काफी बाइक में जो लोग अपनी विंग्स लगा रहे हैं, ये विंग लाइट सॉरी विंग लाइट है इसको, विंग लाइट वाली इसको लगा रहे हैं वो अपने इसमें लगा रहे हैं इंडिकेटर में, इसके इंडिकेटर छोटे हैं तो इसमें लगने का मतलब नहीं है, तो जिसके पास यूनिवर्सल मिरर है वो यहाँ लगा सकते हैं, और वायरिंग का अगर कुछ इशू है अगर उसको लाइट लगानी है समझ नहीं आ रहा तो मेरे चैनल पे देख रहे हो, देखो एक ही वायर कहीं नजर नहीं आ रही, वो मैं लिंक डाल दूंगा देख लेंगे, बहुत बड़ी वायर नजर नहीं आ रही जिस तरीके से मैंने इसको सेट करा है, बिल्कुल डाफिन, और इसका मैंने एक स्विच यहाँ लगा दिया क्योंकि दिन चलाने का कोई मतलब इसको है नहीं, तो उसका एक मैंने स्विच यहाँ लगा दिया जिससे ये ऑन ऑफ हो जाती है, अच्छा क्योंकि ये प्रोजेक्टर लाइट है, हीट होती है तो थोड़ी इसकी लाइफ फर्क न पड़े, तो वाटर प्रूफ बना रखा आपने, वाटर प्रूफ है कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा और मॉडिफिकेशन की बात, और इसके अंदर एक चीज ऐसी हो रखी है वो आप मान के चलो पहली आरएस होगी, अच्छा चाहे इंडिया बोलो चाहे वर्ल्ड के अंदर बोलो, ऐसा कैसा मतलब, BS3 जो भी आई थी सिंगल चैनल ABS के अंदर आई थी या नॉन ABS आई थी, ड्यूअल चैनल ABS, गलत हुआ है देख रहे हो, मतलब यकीन नहीं करते लोग चीज में ना, ये ड्यूअल चैनल ABS है, ड्यूअल चैनल ABS है ना, रियलिटी में ना कोई फेक तो नहीं है, फेक क्या है चेक कर लो, और गाइस देखो दिखाता हूँ मैं, इसमें ना वीडियो भी डाल दूंगा मैं, वीडियो डाल के कैसे मतलब
वो तुमने करी कैसे थी मेरे को तो पता है। इसके अंदर जो ABS की मेरी मोटर थी, ABS की मोटर मैंने लगाई है 390 की, जो ड्यूल चैनल है। अब जो RS नई वाली आ रही है वो ड्यूल चैनल ABS आ रही है, वो भी मोटर के अंदर लगा सकते हो, बट वो 18-19 हज़ार की मोटर पड़ जाएगी। मेरे लिंक थोड़े अच्छे थे इस चीज़ को लेकर, तो मुझे काफी कम चीजों के रेट पे चीज मिल जाती है। उसके अलावा ये पाइप चेंज होते हैं। पहले क्या है कि हमारा जो पाइप है वो यहाँ से लग के यहाँ तक आता है, जो वो नॉन ABS का होता है, और इसकी जो ब्रेक लाइन है इस टाइम ये ABS निकल के, मतलब आप ये कह लो कि इसकी ब्रेक लाइन चेंज हुई है, ये ABS मोटर तक गई है, बस मेरा इसका खर्चा है। तो गुरी भाई पे इसका मेरा पाइप लाइन का खर्चा है, क्योंकि ABS मोटर का जो लगाने का खर्चा है। मतलब ब्रेकिंग में अंतर दिखा? ब्रेकिंग अब आगे चलो जमीन आसमान जमीन आना, आंखें बंद करके ब्रेक मारता हूँ, पता नहीं मैंने चलाई है। गाइस यकीन नहीं मानोगे, 150 पे ना पूरी बाइक वहीं जाम होगी, वहीं जाम हो जाती, पूरी जाम। बस कंट्रोलिंग अपने आपको करनी आनी चाहिए, नहीं ब्रेकिंग नो डाउट अच्छी है ना, कंट्रोलिंग आनी चाहिए। और मोटिवेशन में सब चीजें छोटी मोटी हुई है, लाइटें छोटी मोटी बस जो लगी हुई है, ये सब हुई ना लाइटें, में LED है अंदर ना, इसमें LED है। अच्छा LED जलती है, देखो रात के टाइम अच्छी लगती है काफी ना। बाकी देखा जाए साउंड के मामले में मेरी बाइक एकदम अभी तक स्टॉक है, मुझे मतलब वो साउंड बिल्कुल पसंद नहीं है। गुरी भाई सारा कुछ स्टॉक लगा, एक बार साउंड सुनाओ अपनी RS की स्टार्ट करके ना। अब इंजन बंदवा ना, लोग कहते हैं कि यार इंजन बंद का RS में जान नहीं रहती, नहीं कुछ नहीं। देखो साउंड सुन ना, हेडफोन्स लगा लो, ध्यान से साउंड सुनो। इतनी स्मूथ साउंड कर रही है, बिल्कुल ब्रांड न्यू ना, मतलब टैपिटी की सेटिंग से लेकर एक तो टाइमिंग सुनो और बहुत स्मूथ साउंड कर रही है। मेरे ख्याल में अपने ग्रुप में किसी की इतनी स्मूथ नहीं है, किसी की नहीं है, बहुत प्यारी साउंड कर रही है। ये डिपेंड करता है मैकेनिक के ऊपर, मैकेनिक के ऊपर इंजन कैसे बना है ना, पैसे सबके पास है पर कर नहीं पाता कोई ना। जैसे RS की खड़ी है ना इस टाइम, बहुत न्यू बना रखी इसने, पर खैर ये वाली बात तो बाद में करेंगे। तो गोरी भाई कंफर्ट के लिए लॉन्ग राइड करते हैं, कंफर्ट के लिए यार देखो मैं बताऊं, जो भी इसको लेके जाएगा थोड़ा बहुत परेशान होगा, थोड़ा यूज होने में टाइम लगता है बिल्कुल, बट इसकी कुशनिंग करानी पड़ेगी सीट की ना? अगर आप लॉन्ग टूर करना चाह रहे हो बाइक को लेके तो कुशनिंग करानी पड़ेगी। कुशनिंग कराने के बाद जो कम्फर्ट देगी, मतलब आप समझ लो कई बार होता है कि 100-200 किलोमीटर के बाद ना उतरना पड़ता है थोड़ा रेस्ट देने के लिए, बाइक में दिक्कत आएगी, बट कुशनिंग करा लो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 500-600 किलोमीटर वन वे मारो। आपने करा की कुशनिंग वर्क किया? ये देखो गाइस मतलब किस लेवल की कम्फर्ट है, अभी 100-1200 चला था, बहुत कुछ होता है RS चलाने के बाद, वो बहुत कुछ नहीं है ना, सॉफ्ट है कुछ। तो गोरी भाई आपकी साइड से कोई RS लेना चाह रहा है तो क्या कहना चाहोगे उस पर? भाई BS6 छोड़ के सब ले लेना, देखो वही डायलॉग मेरे मुंह से निकल रहा है, BS6 छोड़ के सब ले लेना, ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जो लोग ले रहे हो बस आ रहे रो रहे है ना, और तुम मतलब क्या कहना चाहोगे? अब तो फिलहाल देखो जो भी लेगा BS6 का तो मतलब है नहीं, क्योंकि BS6 डिसकंटिन्यू हो गई है, BS7 ही मिलेगी, BS3 तो BS7 मतलब थोड़ा पहले उसे वो तो उन्होंने रखा दे, BS3 और 4 में क्या कहना चाहोगे? देखो मेरे हिसाब से अगर मार्केट के अंदर जाओगे 3 तो मिलेगी नहीं, वो है कि गली गली जाके आपको सोना ढूंढना पड़ेगा, मिलेंगे हमारे हिसाब से नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी और वेल कंडीशन नहीं मिलेगी। और BS4 अगर मिलेगी तो कंडीशन अच्छी तो ले सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसा लगा लो, पर थोड़ा बहुत तो देखो लगता ही है 1 लाख में बाइक रेडी है पूरा, फिर 2-2.5 लाख की क्यों लेनी RS क्यों लेनी है ना, BS4 आराम से ले सकते हो, तो आपके साइड से गुड टू गो है ना भाई, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच गुरी भाई इतना अच्छा देने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो भी क्वेरी ना गुरी भाई साहब पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। टायर टू टायर मैं बोलता हूँ, टायर टू टायर को जो पता करना हो तो तरुण भाई तो है, तुम तो वैसे बिजी चल रहे हो, बिल्कुल बाकी हम भी हैं फिर जिंदा यार। गुरी द राइडर भाई का चैनल का नाम है, जो नहीं जानते देख लेना एक बार, इंस्टाग्राम का लिख दूंगा, बाकी मेरा इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर गुड वीडियोज़।